नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। बहराइच की मोतीपुर पुलिस और वन विभाग की टीम को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी मिली है। वन विभाग और पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को धुरला प्रजाति के सेंटा बोआ सांप के साथ गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति सेंटा बोआ सांप को नेपाल ले जाकर बेचने वाला था। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग और मोतीपुर थाने की पुलिस मटिहा ने मटिहा मोड़ के पास इंडिका गाड़ी को रोका तो गाड़ी में बैठे लोग गाड़ी छोड़कर खेत की तरफ भागने लगे। काफी मशक्कत के बाद एक व्यक्ति के पकड़े जाने पर तलाशी में इसके पास से दुर्लभ प्रजाति का सेंटे बोआ सांप बरामद हुआ है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि ये व्यक्ति इस सांप को लेकर नेपाल ले जाने की फिराक में थे। फिलहाल फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और एक व्यक्ति को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। ये थाना मोतीपुर पुलिस के थाना अध्यक्ष श्री ब्रजानंद सिंह को जरिए मुखबिर ये सूचना मिली थी कि एक दुर्लभ प्रजाति का जो संरक्षित सांप है सेंट बोआ, उसको एक व्यक्ति लेकर के जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल वन विभाग की टीम को भी साथ लेकर के मटिया मोड़ के पास एक व्यक्ति को रोका गया और रोक करके उसकी इंडिका कार की तलाशी ली गई तो उसमें एक दुर्लभ प्रजाति का संरक्षित सेंट बोआ सांप मिला है। उस बरामदगी के आधार पर वन जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में उसको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह दुर्लभ प्रजाति का सांप है जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास बताई जाती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। इस संबंध में और भी विस्तृत विवेचना की जाएगी कि इस व्यक्ति के इसे कहां ले जाने वाला था, इसके किन किन लोगों से संपर्क हैं और विगत वर्ष में जो भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत थाना खैरी घाट में रुपैडिया में बरामदगी हुई थी उसे भी कोरिलेट करके इसको हम देखेंगे और विवेचना को इसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। वन जीव संरक्षण में जो भी संरक्षित प्रजातियां हैं उनके संरक्षण का पूरा प्रयास जनपद बहराइच पुलिस द्वारा स्थानीय वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।